ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो चैप्टर 15 श्लोक संख्या 12। तो हम सुन रहे हैं, तो हमने सुना किस प्रकार से अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज को अपने हृदय को खोल रहे हैं, बड़े दुखी हैं। और दुखी होने में भी ना, जब हम बहुत दुखी हों तो क्या करना चाहिए? तो भगवान को, भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। जब हम बहुत सुखी हों तो क्या करना चाहिए? तो भगवान को और भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। एक ही काम है बस। यहाँ पर अर्जुन बड़े दुखी हैं और अपने हृदय को शांति देने के लिए वो सारी पुरानी इंसिडेंट्स याद कर रहे हैं। जैसा हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से, ग्रेटिट्यूड को याद कर रहे हैं, जिससे उनका दिल हल्का हो सके, प्रेम आ सके, अच्छा फीलिंग हो सके। क्योंकि बड़े दुखी हैं, क्योंकि कृष्ण चले गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से एक एक इंसिडेंस बता रहे हैं और उसी को बताते हैं। बोलते हैं, यत तेजसा अथ भगवान युधिशूल पाणिर विस्मापिता सगिरिजा अस्त्रम अदात निजम में अन्ये अपि च अहम् अमुना एव कलेवरेण प्राप्तः महा इंद्र भवने महत आसन अधर्म। यह उन्हीं का प्रताप था, उन्हीं कृष्ण का, कि मैं एक युद्ध में शिवजी और उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे यानी कि शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक तक पहुँच सका, जहाँ मुझे आधे ऊँचे आसन पर बैठने को दिया। तो अर्जुन बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसी शरीर में जाने वाले लोग बहुत कम हैं। उच्च लोकों में इस शरीर में जाना पॉसिबल नहीं है, हमें शरीर त्याग करके उसी लोक के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद बताते थे, प्रभुपाद ने किताब लिखी है अन्य लोकों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, छोटी पुस्तक, जिसमें प्रभुपाद ने बताया कि हम जो प्रयास कर रहे हैं रॉकेटों से, हवाई जहाज़ों से दूसरे लोकों में जाने का, ये हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर वहाँ के हिसाब से बना ही नहीं है। अन्य लोगों में जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है, हवा पानी अलग है, तो इसलिए वहाँ पर हमारा ये चलेगा नहीं। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं यदि आपको उच्च लोगों में जाना है तो ऐसे ऐसे करके चंद्र लोग सूर्य लोगों में जाया जा सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं कैसे अपने इसी शरीर से स्वर्ग लोक तक पहुँच गया और वहाँ पर मैंने सारे देवताओं को प्रसन्न किया, शिवजी और उनकी पत्नी को युद्ध में प्रसन्न किया, इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने अपना पशुपतास्त्र दे दिया और देवताओं ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। ये केवल उन्हीं की शक्ति थी, अदरवाइज कैसे कोई मनुष्य इसी शरीर में स्वर्ग में जा सकता है? हम कहते हैं ना, कोई मर गया तो स्वर्गवासी हो गए, तो मरने के बाद ही स्वर्गवासी होता है। जीते जीते आपने सुना है किसी को बोलो जी पिताजी कहाँ है, स्वर्गवासी हो गए, वो थप्पड़ मारेगा। अंदर बैठे हैं स्वर्गवासी, शर्म नहीं आती तेरे को बोलते हुए? वो कह रहा हाँ, वो स्वर्ग जैसी फीलिंग ले रहे हैं, बेडरूम में बैठे हैं तो स्वर्गवासी बोल दिया मैंने। हाँ, क्योंकि हर कोई जानता है कि शरीर में स्वर्गवासी नहीं हो सकता कोई। अर्जुन इसी शरीर में स्वर्गवासी हो गए थे और फिर वापस आए थे। तो इस तरह से ये भगवान के ही कारण हुआ। तो प्रभुपाद अंत में बताते हैं कि स्वर्ग लोक के ऊपर भी कई लोग हैं जहाँ केवल सतोगुणी जीव ही पहुँच सकता है। हाँ, जनरली हमें संसार में हमें लोगों को ये पता ही नहीं होता कि स्वर्ग के ऊपर भी यही है। लोग पिक्चरें बनाते हैं, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? अरे जाना है ना, स्वर्ग के ऊपर जाना है, इसका मतलब क्या? हाँ, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, स्वर्ग के ऊपर भी तो है, उसके ऊपर उठना पड़ेगा। तो हमें जब प्रभुपाद के ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्वर्ग तो इसी संसार के अंदर है, जहाँ जन्म मृत्यु है, मैटीरियल जगत के अंदर है, और हमें मैटीरियल जगत के बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि हम अमर हैं, इसलिए हमें ऐसी जगह में रहना अच्छा लगता है जहाँ पर मृत्यु ना आती हो। इसलिए मृत्यु से सबको भय लगता है, क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं है, पता नहीं यहाँ जब से आए हैं बार बार मरना पड़ रहा है। इसलिए इसके ऊपर के भी लोक हैं जहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत शुद्धि की आवश्यकता है। तत्रैव मे विहदतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षण मरात्य वधाय देवः स इन्द्राश्रितायत अनुभावितं आजमीन तेन अहम् अद्य मुषिता पुरुषेण भूमना। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका
तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। सोचिए, अब स्वर्ग में जो व्यक्ति है वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, तभी वहाँ पर पहुँचा है। लेकिन अर्जुन इतने शक्तिशाली, ये कह रहे हैं ये केवल भगवान की कृपा थी कि मैं स्वर्ग में जाकर देवताओं की रक्षा कर पाया। जो देवता उस असुर को नहीं मार पा रहे थे, निवात कवच असुर, उसको उससे मुझे बोला गया कि तुम लड़ो। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो याद कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी शक्ति थी, जो भी मैं कर पाया, वो भगवान की कृपा से ही वास्तव में कर पाया था। एक कृतज्ञता दिखा रहे हैं। आज वही भगवान जब मेरे पास नहीं है तो मैं शक्ति विहीन हो गया हूँ। यत बांधवा कुरु बल अब्धिम आब्धिम अनंत पारम एक रथेन ततरे अहम अतीर्य सत्वम प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशाम तेज आस्पदम मणियम मणिमयम च हृतम शिरोभ्य। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र के इतने थी जिसमें अनेक अजय प्राणी थे। आप जानते ही हैं कौरवों की सेना बहुत ज़्यादा थी पांडवों की सेना से, और उसमें अनेक अजय थे। आप जानते ही हैं द्रोणाचार्य कहाँ हारे, कभी भीष्म पितामह कहाँ हारे, कर्ण जैसा योद्धा, सबसे शक्तिशाली सबसे कुशल गदा चलाने वाला दुर्योधन, एक से एक व्यक्ति थे। फलता वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण, किनकी, कृष्ण की मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और भलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़े थे। हम कहते हैं हमने बीए की डिग्री ली, बीए किया, हमने एमए किया, हमने पीएचडी करी, हमने ये किया, हमने वो किया, कोई फूंक मार दे तो हम उड़ जाते हैं, एक छोटा सा मच्छर काट देता है तो हमें डेंगू हो जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले मच्छर काट देता, मलेरिया आ जाता, तो क्या आप एग्ज़ाम दे पाते? एग्ज़ाम सेंटर में जाते हुए कई बार हमें सपने नहीं आते थे। सेंटर में गया, हमें तो ऐसे सपने आते थे, सेंटर में गया एग्ज़ाम देने, उन्होंने रोल नंबर मांगा तो देखा रोल नंबर नहीं है, अब क्या करें। सेंटर में गया, पता लगा आपका सेंटर तो यहाँ था ही नहीं, आपका सेंटर कहीं और था। जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, जाते हुए हम गिर गए, बीमार पड़ गए। जो भी हमने हासिल किया वास्तव में उसमें दैवीय समर्थन था, तभी हम कर पाए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। वास्तव में शरीर भगवान की भेंट है, इंद्रियां, दिमाग, बुद्धि, परिस्थितियां, माँ बाप, पैसा, हर चीज़ भगवान की भेंट है, उसी के कारण हम कर पाते हैं और फिर भी हम उछलते रहते हैं। वो सोचता है मैं करता हूँ। तो यहाँ अर्जुन जैसा बलवान व्यक्ति तो ये नहीं सोच रहा है। सोचिए, जो वास्तव में बलवान था, जिस पर खतरनाक गांडीव धारण करता था, वो भी ये नहीं सोच पा रहा है। वो भी कह रहा है कि उन्हीं की कृपा से ऐसा हो पाया वास्तव में, कि मैं कौरवों को वास्तव में हरा पाया। अब बोलता कि पूरी लड़ाई में मैंने एक के बाद एक, ये किसने किया ऐसे? कृष्ण ने क्या किया? रथ में। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बाण मारे। लेकिन वही अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो उनका ड्रामा था वास्तव में, जो आगे बैठ के मार तो वही रहे थे। तो भक्त तो ऐसा सोचता है, लेकिन जो असाधारण दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो कहता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्या किया, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में किया, इन्होंने मेरी ज़िंदगी, सवेरे उठा कौन? मैं। सवेरे जब किसने किया? मैं। सारी तपस्याएं कौन कर रहा है? मैं। व्रत कौन रख रहा है? मैं। पढ़ कौन रहा है? मैं। सारी चीज़, सारी तपस्या मैंने करी, आपने क्या किया? फालतू में इस्कॉन में इतना बोला जाता है, यस देवे तथा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथई थी अर्था प्रकाश अंत्य महात्मना। हर जगह गुरु गुरु को स्थापित करके अपनी पोजीशन स्थापित कर देते हैं हर लोग। फालतू में इतना फैला रखा है, क्या ज़रूरत है गुरु की? कई ऐसे भ्रांतियाँ समाज में आ जाती हैं, जबकि कृष्ण खुद ही कहते हैं कि आचार्य को मेरे को ही जानो, आई एम दैट। आचार्य जो है, गुरु जो है, वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कहने का मतलब है हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, जो अर्जुन के एग्जाम्पल से यहाँ पर दिख रहा है। बोलते हैं आगे, या भीष्म कर्णा गुरु शल्य चमूष अद्रभ राजन्य वर्य रथमंडल मांडीतासु अग्रच
अग्रे चरो मम विभो रथयूत पाना मार्यूर्म मना मनांसि च दृशासह ओज आर्छत। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबू की आयु को छीन लिया और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यू की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया। आप जानते ही हैं जब हमने भगवद गीता पढ़ी थी तो शुरू में हमने सुना किस प्रकार से शंख नाद हुआ और जैसे ही अर्जुन ने और कृष्ण ने अपने शंख बजाए तो हम उसमें लिखते हैं कि कौरवों के दिल तो तभी समाप्त हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले उनको हरा दिया था, उनके उत्साह को ही हर लिया, उनकी आयु को हर लिया। उसके बाद तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मरा पड़ा है ना, कई बार ऐसे जैसे बाना बोलते बोलते मेरे प्राण निकल गए, मैं ऐसे बैठा हूँ, अब कोई किसी को पता ही नहीं है, कोई आएगा ऐसे टच करेगा तो ऐसे गिरेगा, धम्म से गिरेगा। हाँ तो समझ लीजिए ऐसे ही लाशें सारी खड़ी थी और अर्जुन ने हल्का हल्का टच किया और सब गिरते गए। वास्तव में कृष्ण सबको मार चुके थे। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी कौरवों की और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया, सबके प्राण हर लिए, मैंने तो केवल बाण चला दिए और मैं हीरो बन गया। यत यत दोषु मां प्राणी हितम गुरु भीष्म कर्ण नृगत्र शल्य सैंधव बाहिक आद्य अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उस्पृशु नरहरिदासम एव असुराणि भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्म शल्य जयद्रथ तथा बारहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन भगवान की कृपा से वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये पॉसिबल कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला। हाँ कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, पता नहीं मेरे को टच नहीं कर रहा है कोई, संभव ये कैसे हो पाया। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने जलाने के लिए अपनी बहन को भेज दिया कि ये तो जल ना जलने का इसको तो वरदान प्राप्त है, वो प्रहलाद को लेके बैठ गई और होलिका जल गई, तो होली आज भी जलाई जाती है। और इसी प्रकार से उन्हें खाई में गिराया गया, उन्हें पहाती के नीचे डाला गया, उन्हें सांपों के बीच में डाल दिया गया, क्या क्या नहीं किया, जलती हुई तेल में कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा नरसिंह भगवान की कृपा से बचते रहे, भगवान की कृपा से बचते रहे। उसी प्रकार वास्तव में मैं भी उसी प्रकार बचा, नहीं तो इन लोगों के तो अस्त्र मेरे को कभी कब मार देते। और ऐसा ही फिर एग्जाम्पल भी देते हैं उसके बाद में कि मैं तो रथ से उतर ही गया था एक बार। सुनिए, सौत्ये व्रत किमा किमु कुमतिना आत्मा दह ईश्वरा मेयत पाद पद्म अभिभाव भजन्ति भव्या माम शांतवाहम अरये रथिन भुवि भुविष्टम नाप्राहरन यद अनुभाव निरस्त चित्ता। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए नीचे उतरा तो शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ही नहीं करी। अरे उन पे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जैसे भ्रमित कर देते ना भगवान, हाँ वो भ्रमित हो गए, मार ही नहीं पाए। ये वही लोग थे जिन्होंने अभिमन्यु को गलत तरीके से मारा, लेकिन मैं रथ से उतरा तो ये मुझे मार देते, युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या इनके दिमाग में भ्रम हुआ, बड़े सारे ऐसी चीज़ें हुई। आप जानते हैं भीष्म पितामह ने चार बाण बनाए थे, पांच बाण बनाए थे कि कल पांडवों को समाप्त कर दूंगा, और भगवान ने अर्जुन को बोला जाइए तो आपको दुर्योधन ने एक बार वचन दिया था, उस वचन को मांग लीजिए। और दुर्योधन जैसा दुष्ट आदमी अर्जुन के कहने पर वचन देने को तैयार, हाँ मैंने दिया तो था, तो वो कहते हैं लाइए वो पाँच बाण दे दीजिए मुझे वापस जो भीष्म पितामह ने बनाए हैं, और पांचों बाणों वो दे देता है। जैसे पागल हो जाता ना आदमी, कई बार आपके साथ हुआ ऐसा, कोई मार्केटिंग वाला आता है, कुछ मार्केटिंग स्किल से कुछ आपको बोल के जाता है, कहता है लाइए जी 1,00,000 रुपये आपका ऑर्डर अभी बुक कर दूँ, आप दे देते हैं। बाद में रास्ते में सोचते हैं अरे ये कर क्या दिया मैंने, ये क्या हो गया। ये आपको मालूम है ऐसे बहुत केस होते हैं, हाँ स्पेशली ट्रेन करा जाता है उन लोगों को। बहुत साल पहले इस तरह से कुछ एक संस्था चली थी जिसने कोई गेस्ट हाउस बेचते थे, वो गेस्ट हाउस को बेच देते थे कि खरीद के क्या करो, तभी चला ही चला था कि आप खरीद के क्या करोगे, इतने दिन के इतने हॉलीडे, ये है आप ले लेना, ऐसे ऐसे है आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं। आदमी को ऐसा पागल बनाते थे, कहते थे तुम्हें 3 दिन का फ्री स्टे दे रहे हैं हम। आदमी पैसे दे के आता था, बाद में वो कोर्ट केस करता था, मुझे इन्होंने कुछ खिला दिया, कुछ खिलाया पिला नहीं होता था बातों में। तो ऐसा एक आम आदमी में ऐसी भगवान को कैसे मोहित कर लेते हैं व्यक्ति को,
देवताओं के समुद्र मंथन में विष निकला, विष को लेके आए धनवंतरी, और धनवंतरी से छीन लिया विष असुरों ने, और तब भगवान मोहिनी रूप बन के आए और उनके हाथ से ले लिया, सोचिए जरा, उनके हाथ से ले लिया अमृत को, उनके सामने देवताओं को पिलाने शुरू कर दिया, उनके सामने, और असुर आराम से बैठे हैं, एज इफ कि जैसे कि आप लोगों ने अगर बेलपत्र पिया है, बेलपत्र का पानी शरबत, या ऐसा कोई शरबत जिसमें बढ़िया चीज़ नीचे तली रह जाती है, ऊपर ऊपर पानी रह जाता है, तो असुरों की ऐसी मति मारी गई कि ऊपर ऊपर का पानी पिला रही है देवताओं को, हमें नीचे का माल पिलाएगी। हाँ, और असुरों के सामने सारे देवताओं को विष पिला, अमृत पिला दिया। ऐसे भगवान मोहित कर लेते हैं, सबको मोहित कर लेता हूँ। इसी प्रकार से मैं रथ से नीचे उतरा था, शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ही नहीं करी, यह तो आपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान था, अपने को धुतकार रहे हैं। ऐसा होता है एक शुद्ध भक्त जो अपने को धुतकारता है कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मैंने उनको सारथी बनने दिया। अरे वो तो भक्त वत्सल हैं, वो तो भक्तों की सेवा करने के, लेकिन मैं कैसा दुष्ट था कि मैंने उन्हें सारथी बनने दिया। जिनकी पूजा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी उनकी पूजा करते हैं, सारे श्रेष्ठ लोग उनकी पूजा करते हैं, और मैंने उनसे ही सेवा ले ली। तो एक भक्त ऐसा सोचता है कि मैंने अपने से सीनियर से, मैंने अपने गुरु से ही सेवा ले ली, उल्टा उनकी सेवा करने के बजाय, और फिर भी मैं कृतज्ञ नहीं हुआ, फिर भी मैं जीवन में उनकी सेवा नहीं कर पाया और उनसे सेवा लेता ही रहा, ऐसा अर्जुन यहाँ पर सोचते हैं। एक परफेक्ट डिसाइपल का यहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है अर्जुन के माध्यम से, एक परफेक्ट भक्त का एग्जाम्पल मिलता है, कैसे हमारी चेतना होनी चाहिए, कैसे हमें एक एक चीज़ के लिए गुरु और कृष्ण को ही सारा श्रेय देना चाहिए, और कैसे उनका सर्वेंट बनने का भाव होना चाहिए, और कभी हम सेवा ले लें तो हमारा कैसा भाव होना चाहिए, तो यहाँ पर अर्जुन दिखा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। गंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।